नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। कंगना रनौत हर मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखती हैं, उनकी बोल्डनेस का हर कोई कायल है। इन दिनों विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीरी फाइल्स सोशल मीडिया पर छाई हुई है। ऐसे में कंगना रनौत ने भी इस फिल्म की खूब तारीफ की है। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और उनकी फिल्म की तारीफ करते करते कंगना ने लगे हाथ बॉलीवुड को भी खरी खोटी सुना डाली। जी हाँ, कंगना ने एक बार फिर से बॉलीवुड को घेरते हुए कहा है कि ऐसी फिल्म के सामने आने के बाद से बॉलीवुड और उनके चमचे सदमे में चले गए हैं। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम से द कश्मीर फाइल्स को लेकर दो स्टोरी पोस्ट की। कंगना ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को लेकर कहा, द कश्मीर फाइल्स सिर्फ एक कंटेंट नहीं है बल्कि बिजनेस का एक बड़ा उदाहरण भी है। इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट प्रोफेशन बेशक से विचार का विषय हो सकता है, लेकिन ये फिल्म साल की सबसे सक्सेसफुल और मुनाफे वाली फिल्म साबित होगी। कंगना ने आगे कहा, ये फिल्म कई मायनों में कई तरह के मिथ भी तोड़ती है, जैसे कि बड़े बजट वाली फिल्मों की थिएटर्स पर चलती है, ये फिल्म लोगों को सिनेमा घरों में खींच कर वापस लाई है, मल्टीप्लेक्स की सीट्स फुल है, ये अविश्वसनीय है, बॉलीवुड और उनके चमचे सदमे में चले गए हैं, एक शब्द नहीं सारी दुनिया देख रही है इनको, इनका समय अब खत्म। इसके अलावा कंगना रनौत ने एक और पोस्ट किया है जिसमें कंगना ने लिखा, नो चीप पब्लिसिटी, नो फेक नंबर्स, नो माफिया, नो इंटरनेशनल एजेंडा, देश बदलेगा तो फिल्म ही बदलेगी। बता दें कि पंगा एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन किसी ना किसी से पंगे लेती दिखती है। दिलेर कंगना फिल्म हो या पॉलिटिक्स, वो अपनी बातें बेबाकी से रखती है। कुछ वक्त पहले कंगना ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयों पर भी तंज कसा था। इस दौरान कंगना ने दीपिका की इस फिल्म को खराब फिल्म की श्रेणी में रख दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने दीपिका की इस फिल्म की तुलना पॉर्नोग्राफी से भी कर दी थी। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।